सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों यार ओप्पो लेके आया है अपना एक नया ब्रांड न्यू स्मार्टफोन, जहां पे ये है दोस्तों मेरे पास में ब्रांड न्यू ओप्पो F19 प्रो प्लस 5G। और आज दोस्तों आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपसे बात करता हूँ इसी फोन के बारे में, खरीदे इसको, अनबॉक्स करते हैं कैसा है ये फोन, क्या है इसकी पूरी कहानी। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो वीडियो है ना मजा आपको बहुत ही बेहतरीन इसमें मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यार ऐसा है कुछ हमारे पास में इसी ओप्पो F19 प्रो प्लस स्मार्टफोन का ये बॉक्स सामने है। यहाँ पे F की ब्रांडिंग, साइड में दोस्तों यहाँ पे जिक्र किया गया है ओप्पो के साथ में ICC का। पीछे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में बॉक्स में अगर इसमें कुछ मेन हाइलाइट्स को मेंशन किया गया है, जहां पे सबसे पहले है 5G का जिक्र, बिकॉज दोस्तों ये एक 5G स्मार्टफोन है। इसी के साथ दोस्तों बात होती है AI हाईलाइट पोर्ट्रेट वीडियो की। फिर है दोस्तों यहाँ पे 50 वॉट्स की फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट, और ये दोस्तों आता है सिस्टम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजर के साथ में। अगेन यहाँ दोस्तों इंटरनली जो है वो सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से ColorOS 11.1 में काफी कुछ जो है हमको ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास में इसी का 8GB रैम, 128GB स्टोरेज वेरियंट, कलर है स्पेस सिल्वर। ऑल्दो जो बॉक्स पे प्राइस उसको कट किया गया है, लेकिन दोस्तों मैं बताऊंगा वीडियो में एक्जैक्टली कि इस फोन की सही कीमत क्या होने वाली है। फिलहाल दोस्तों आप कर दो अपनी पूरी ताकत से वीडियो को लाइक और शेयर, और मैं करता हूं सीधा इसी बॉक्स की सील ब्रेक। करते हैं दोस्तों यहां पे इसी बॉक्स को ओपन। तो जैसे ही हम स्लीव को स्लाइड दोस्तों करते हैं, यहाँ पे अंदर हमको मिल जाता है मेन ब्लैक कलर वाला बॉक्स, और इसको दोस्तों ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में है ये एक सेक्शन, जहां पे अंदर है ये एक सिम प्रोजेक्टर टूल, फिर दोस्तों है ये कुछ ज्ञान की बातें, और फिर है हमारे पास में रखा हुआ ये एक केस फोन प्रोटेक्शन के लिए। इसी के दोस्तों ठीक नीचे यहां पे रखा है हमारे पास में मेन स्मार्टफोन इसी स्पेस सिल्वर कलर में, जहां पे अगेन दोस्तों कुछ मेन हाइलाइट्स को मेंशन किया गया है। साथ में हम देखते हैं नीचे तो हमारे पास में है ये एक 65 वॉट्स आउटपुट वाला चार्जर, और दोस्तों फोन सपोर्ट करता है 50 वॉट्स की फ्लैश चार्जिंग को। साथ में हमारे पास में USB A to C केबल, और फिर दोस्तों है ये ईयरफोन्स, बॉक्स से निकलती जा रही है, लेकिन यहां पे दोस्तों हमको सब कुछ मिल रहा है। और मजे की बात कि ये आते हैं हम सभी के प्यारे हेडफोन जैक कनेक्टर के साथ में, ये बहुत ही सही बात है। फिलहाल दोस्तों अभी करते हैं फोन के प्रोटेक्शन को रिमूव करने के बाद में एक थोड़ा सा ना पहले लुक को देखते हुए कुछ बातें। तो यहां पे दोस्तों यार फोन जो है वो काफी स्लीक और काफी लाइटवेट जो है वो हाथ में फील होता है। और बाकी दोस्तों अगर आपसे बात करता हूं तो यार लुक्स काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं इसी स्पेस सिल्वर कलर के। करते हैं यहां पे इसी को बूट और बात करते हैं हम कुछ और डिटेल्स के बारे में इसी फोन से जुड़ी हुई। तो यहां पे दोस्तों अगेन खैर एक बार यार ये जो कलर है ना इसको मतलब देखने का मन बार-बार कर रहा है, मतलब काफी यूनिक फिनिश है और काफी प्रीमियम उसे फोन को बना देती है। खैर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फिजिकल ओवरव्यू की, तो फोन में राइट साइड में है हमारे पास में ये एक पावर लॉक अनलॉक बटन, ऊपर दोस्तों है यहाँ पे हमारे पास में ये एक सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए, लेफ्ट साइड में है वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, और यहाँ पे दोस्तों ऊपर जो सिम ट्रे है वो आती है एक ट्रिपल स्लॉट के साथ में, तो कोई भी टेंशन नहीं होने वाली है। फोन में नीचे है हम सभी का प्यारा ये हेडफोन जैक, प्राइमरी माइक्रोफोन, USB-C पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। दोस्तों अगर हम बात करते हैं पीछे की तरफ ना, तो यार जो कैमरा अरेंजमेंट है ये बहुत ही यूनिक तरीके से डिजाइन किया है ओप्पो ने, जहां पे आपको एक सिंगल लेयर दोस्तों मिलती है, जहां पे एक सिंगल कॉर्निंग ग्लास 5 प्रोडक्शन के नीचे आपको ये क्वाड कैम सेटअप लगा हुआ मिल जाता है, मतलब अलग अलग वो लेंसेज जो है वो निकलते हुए नहीं दिखते, ये थोड़ा दिखने में एकदम डिफरेंट अप्रोच है लगा है। यहाँ पे 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, साथ में दोस्तों है यहाँ पे कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स के लिए, 2 मेगापिक्सल का मोनो कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मोनो कैमरा अवेलेबल है। साथ दोस्तों है LED फ्लैश, 5G की ब्रांडिंग है और कोने में है ओप्पो की ब्रांडिंग। यहां पर दोस्तों फोन में अगर आपसे बात करता हूं, सामने तो एक लगा है 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले। तो यहां पर दोस्तों जो स्क्रीन है ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, जहां पर दोस्तों आप देखते हैं आपके सभी कलर्स एकदम स्क्रीन से बाहर झांकते हुए, और आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो बहुत ही अच्छा सा होगा। यहां पर दोस्तों लगा है इसी स्क्रीन के नीचे ही हमारे पास में ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, और यहां पर दोस्तों कोने में लगा हुआ है ये छोटा सा एक सिंगल पंच होल में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अगर सबसे बात करते हैं फोन में कुछ और डिटेल्स की, तो यहां पर दोस्तों देखेंगे टिपिकल आपको ColorOS वाला जो है वो पूरा लुक एंड फील मिल जाता है। यहां पर फिलहाल ही चलता है लेटेस्ट ColorOS 11.1 पे, जो कि Android 11 पे बेस्ड है। यहां पर दोस्तों साथ में लगा है MediaTek Dimensity 800U Octa-Core 5G प्रोसेसर, ड्यूएल 5G का सपोर्ट है, साथ में दोस्तों 8GB रैम है, 128GB की स्टोरेज है और बैटरी है 4310 बोले तो 4300
310 mAh की, अगेन 50 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग के साथ में। यहाँ दोस्तों इसके अलावा अगर ना इसके अंदर आपको कुछ और सॉफ्टवेयर वाले फीचर्स वगैरह भी मिल जाते हैं फोन के, नो कंप्लीट आपके यूजेज को एनहांस करने के लिए। जहां पे एक दोस्तों चीज यहाँ पे ओप्पो ने ऐड की है जो कि है एक 360 डिग्री एंटीना डिजाइन। तो मतलब ओप्पो के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे जो आपको सिग्नल मिलेगा इसके अंदर वो बहुत ही सही होगा। मतलब आप फोन को किसी भी पोजिशन दोस्तों कैसे भी अगर आपने पकड़ा है, फोन आपकी पॉकेट में है, आप दोस्तों अलग अलग ग्रिप्स पर फोन को यूज कर रहे हैं, तो भी आपको जो पूरा सिग्नल मिलने वाला है, फिर चाहे बात करें 5G की या 4G की या वाईफाई वगैरह की, तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहां दोस्तों अगर आपसे बात करता हूं इसी के साथ आगे बढ़ते हुए कैमरा को लेके, बिकॉज कैमरा डेफिनेटली इस फोन की एक मेजर हाईलाइट है। तो जो ऐप है, अगेन दोस्तों यहां पे हमको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, मतलब अलग अलग स्टाइल में आप जो है वो फोटोज वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हो। दोस्तों हमें वीडियो में हमारे पास में ऑप्शन है AI हाईलाइट वीडियो का। तो मैं दोस्तों यहां पे खैर अभी फिलहाल आपसे कुछ कैमरा सैंपल्स शेयर कर रहा हूं। देखो डे लाइट दोस्तों फोटोज जो है वो डेफिनेटली अच्छी आती है। मैं यहाँ पे इस फोन के साथ में, बिकॉज दोस्तों ओप्पो बोलता है फ्लॉन्ट द नाइट्स, तो बेसिकली मैंने दोस्तों जितने भी सैंपल्स लिए हैं वो लो लाइट में लिए हैं वीडियो के, और दोस्तों बाकी चीजें हैं वो आप देखते हैं किस तरीके से जो है वो काम करती है। जहां पे मेरे ख्याल से दोस्तों जो कैमरा सैंपल्स हैं वो यार काफी अच्छे निकल के आए हैं। बाकी आप बताइए कि आपके मन की बात क्या है नीचे कॉमेंट करते हुए। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बायोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यार ये जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है ये बिल्कुल बड़े आराम से बिना किसी टेंशन के काम करता है और बहुत ही जल्दी से फोन को जो है वो सीधा अनलॉक कर देता है। मतलब सीधा बस अपना अंगूठा टच कीजिए फोन अनलॉक हो जाएगा, और जो फेस अनलॉक है वो तो आपको बस देखना है और ये इंस्टेंटली बहुत तेजी से काम करता है सीधा फोन को अनलॉक करने के लिए। तो इनमें आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पे दोस्तों क्योंकि एक आता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में, तो जो कंटेंट कंजम्पशन का मजा है वो भी आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगा इसी फोन के साथ में। वैसे थोड़ा सा म्यूजिक का मजा भी उठा लेते हैं। क्या बात है, मतलब मजा आ गया। तो यहां पर दोस्तों ये है ओप्पो F19 Pro Plus स्मार्टफोन, और यहां पर दोस्तों ये है एक 5G फोन, ड्यूअल सिम 5G का सपोर्ट है। और ये दोस्तों कुछ ऐसी इस फोन की पूरी कहानी। मैं वैसे एक सरप्राइज प्लान कर रहा हूं, जल्दी ही मैं सोचूंगा। आप खैर वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप जो है वो सरप्राइज को मिस ना कर दें। खैर यहाँ पर दोस्तों मैं बिल्कुल मिस नहीं कर गया हूँ, मेरे को याद है कि मेरे को इस फोन की प्राइस आपको बतानी है, जो कि है इंडिया में 25,990 रुपए। एक ही वेरियंट अवेलेबल है, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, कीमत 25,990 रुपए इसी ओप्पो F19 Pro Plus स्मार्टफोन की। और यहाँ पे काफी स्लीक और काफी लाइट फील होता है यार। और अगेन दोस्तों जो कैमरा है ना वो मतलब मानना पड़ेगा भाई कि जो AI हाईलाइट पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन ओप्पो ने ऐड किया है वो बहुत ही सही तरीके से काम करता है। तो कुछ ये इस फोन की कहानी, आप बताइए कि आपको ये फोन कैसा लगा। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।